ओके गाइस, सो कैसे हैं आप सब। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं Redmi 11A के बारे में, जिस स्मार्टफोन के आपको प्राइस तो क्या मतलब बहुत कम देखने को मिली है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये अपनी स्पेसिफिकेशंस के अंदर काफी टॉप करेगा। लेकिन अगर आप इस स्मार्टफोन को लेना चाह रहे हो, आप इस स्मार्टफोन का काफी टाइम से जो है वो वेट कर रहे हो, आज की वीडियो को देखते रहना। आज की इस वीडियो में मैं आपके तमाम डाउट क्लियर करूंगा, साथ साथ मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि आपको इस स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपको खुद भी डिसाइड करना होगा, आप खुद भी डिसाइड भी कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और साथ साथ इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, आज की वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले इस स्मार्टफोन के बारे में और स्मार्टफोन के अंदर क्या खास फीचर देखने को मिले और क्या हमें खास फीचर नहीं देखने को मिले। तो आज की वीडियो को आखिर तक देखते रहना। बात करते हैं दोस्तों अब Redmi 11A के बारे में। सबसे पहले अगर देखा जाए, स्मार्टफोन की थिकनेस बहुत ही कम देखने को मिल रही है। अब इतना सा स्मार्टफोन मेरे ख्याल से थिकनेस के अंदर इतना सा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम तकरीबन जो है वो हमें देखने में काफी, और लेकिन वहां पर आपको लंबाई उसकी काफी बड़ी देखने को मिलेगी। लेकिन वहां पर ही दोस्तों आपको जो है वो स्क्रीन का साइज 6.7 इंच का देखने को मिलता है, HD+ रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। मेरे लिहाज से अगर स्क्रीन का साइज काफी बड़ा देखने को मिल रहा ना, तो हमें कोई भी अगर वीडियोस हम देखते हैं, कोई भी ऐसी चीज देखते हैं वीडियोस के अंदर, वहां पर हमें ये चीज काफी अच्छी फीलिंग देगा, जो कि हमें जो स्क्रीन का साइज काफी बड़ा देखने को मिल रहा है, उस लिहाज से हमें जो काफी अच्छा रहेगा। अब देखो, अगर आपको स्क्रीन का साइज बड़ा देखने को मिले ना, तो हर बंदा चाहता है यार इतना बड़ा स्मार्टफोन देखने को मिले, लेकिन अंदर वाले जो फीचर्स होते हैं वो नहीं देखते। लेकिन आज हम जानेंगे इसके अंदर वाले फीचर्स को भी। अच्छा, सबसे पहले अगर देखा जाए इस फोन के अंदर जो पैनल देखने को मिलेगा ना, वो आपको IPS LCD का देखने को मिलेगा, जो कि तकरीबन इतनी प्राइस वाले स्मार्टफोन के अंदर हर जो ब्रांड जो है वो आपको इतना ही पैनल देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं जो सिर्फ पैनल पर ही काम करते हैं, लेकिन दूसरी स्पेसिफिकेशंस के अंदर काम नहीं की जाती। लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर आपको एक नॉर्मल सा स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर अगर बात की जाए स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस वाइज की, ये स्मार्टफोन क्लियर है, लेकिन इस फोन के अंदर आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉइड 12 का देखने को मिल रहा है। अब उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें 2022 के अंदर या ला लें यहां पर 2023 के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा। अब यहां पर देखें, यहां पर एंड्रॉइड 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन यहां पर आपको प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो एंड्रॉइड 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम ही होना चाहिए। अब आपको पता है इतने स्मार्टफोन जो पहले हमें देते थे वो एंड्रॉइड 11 का देते थे, लेकिन अभी के दौर पर एंड्रॉइड 13 आया, उस हिसाब से हमें जो है एंड्रॉइड 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखने को मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर चिपसेट की बात कर लीजिए, वो MediaTek Helio G85 का होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बाकी आप अभी तक एक्सपेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इसी के अराउंड अराउंड जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर आप बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के वेरियंट की, भाई इस फोन के अंदर आपको 2 या 3 वेरियंट देखने को मिलेंगे। जो एक्सपेक्टेड है वो 4 GB के साथ 64 GB है और 6 GB के साथ 128 GB है, बाकी 2, 4, 6, 8, 10 वो एक अलग वेरियंट्स है। लेकिन जो मैंने एक्सपेक्टेड आपको बताया यही 2 होंगे, जो कि 4 GB और 6 GB, जो कि साथ में 64 GB और 128 GB। साथ में आपको माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको माइक्रो एसडी कार्ड की सपोर्ट जो देखने को मिलेगी वो तकरीबन 512 GB देखने को मिलेगी, फिर भी आपका अच्छा गुजारा करेगी। अब माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट लेके आप अपनी मेमोरी को भी इंप्रूव कर सकते हो। चले यार, बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरे वाइज के। अच्छा, बैक साइड पे आपको डुअल सेटअप कैमरे के साथ एक फ्लैश लाइट देखने को मिलती है और मेन सेंसर आपको 50 MP का देखने को मिलेगा, सेकंड आपको 2 MP का, और अगर सेल्फी के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर आपको 8 MP या तो 5 MP की वो सेल्फी देखने को मिलेगी। अब कैमरे वाइज आपको 5 MP की सेल्फी देखने को मिलेगी या तो 8 MP की देखने को मिलेगी, लेकिन बैक पर आपको जो मेन सेंसर दिया गया वो आपको 50 MP के अंदर, मैं यही कहूंगा कि आपको एक अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो महंगाई की वजह से अगर देखा जाए, कुछ भी रीजन हो कि अगर 50 MP के अंदर देखने को मिले तो हम कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी हमें प्रोवाइड कर सकेगा। अच्छा, अभी हम बात करते हैं स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट सेंसर की, जो कि Redmi ने यह काम थोड़ा सा अच्छा नहीं किया, क्योंकि उस हिसाब से अगर फिंगरप्रिंट सेंसर हमें एक तो बैक साइड पर देखने को मिला, और यहाँ पर दोस्तों हमें कैमरे की जो पट्टी देखने को मिल रही है ना, उसके साथ ही हमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर दे दिया गया। अब जब हम स्मार्टफोन को यूज करते हैं ना, वो ऐसे करते हैं, अब ऐसे हमारी जो फिंगर है वो वहां पर कैमरे के साथ पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लेती है और यूज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। फिंगरप्रिंट सेंसर के हिसाब से मेरे ख्याल से जो बैक साइड पर था वो दरमियान में देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर Redmi ने जो है वो ऊपर कैमरे के साथ ही लगा दिया, ये थोड़ा सा सही काम नहीं किया। यहाँ पर हमें दरमियान के अंदर ये चीज देखने को मिलती तो काफी अच्छा रहना था, लेकिन यहाँ पर
फिंगरप्रिंट सेंसर हमें जो है कैमरे के साथ ही देखने को मिला। बाकी यहाँ पर अगर बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी के साथ ये फोन देखने को मिलेगा। चार्जिंग के बारे में अभी कोई कंफर्म नहीं है। बाकी अगर देखा जाए प्राइस के हवाले से देखा जाए, तो ये फोन इंडियन मार्केट के अंदर देखा जाए ना, तो ये तकरीबन 8 या 9 हजार के अराउंड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखा जाए, तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 25 से 30 हजार के अराउंड जो है ये स्मार्टफोन जा सकता है। मतलब 25 और 30 के अराउंड ये फोन देखने को मिलेगा। बाकी उम्मीद यही करूंगा कि वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।